यूएसए से बड़े निवेश की जमीन तैयार, मुख्यमंत्री योगी बोले बड़ी भूमिका के लिए यूपी तैयार। निर्माण के बाद ऐसा दिखेगा श्रीराम मंदिर, ट्रस्ट ने जारी की नई तस्वीरें, आप भी देखिए। घर आने से पहले मिली मौत, आतंकी हमले में श्रमिकों की हत्या के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों ने कन्नौज के दो श्रमिकों की हत्या की। फीस न जमा करने पर 12 छात्रों को परीक्षा में बैठने नहीं दिया, स्कूल गेट पर रोते रहे बच्चे। बाढ़ में अब तक 9 की मौत, 359 गांव चारों तरफ पानी से घिरे। अनियंत्रित कार ने स्कूल जा रहे 4 मासूमों को रौंदा, 3 की मौके पर ही मौत, मचा कोहराम। गंगा में समा गई नाव, 1 की मौत, कई लापता, मौके पर डीएम एसएसपी तलाश में जुटी एनडीआरएफ। कोर्ट ने आज भी नहीं दिया आदेश, अगली तारीख 1 नवंबर की दी। सीएम योगी बोले अन्नदाताओं के साथ हर समय खड़ी है डबल इंजन की सरकार। भारी बारिश के बाद पुणे में सड़कें बनी तालाब, घरों में घुसा पानी, बिजली आपूर्ति बाधित। तवाड़ा के रक्षा मंत्री भोरासिरा से राजनाथ सिंह ने की बात, दुनिया देखेगी भारत की ताकत। डिफेंस एक्सपो में दिखेगी देश में विकसित मशीन पिस्टल एसएमआई, कल पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। हेलीकॉप्टर से कैसे यात्रा करते हैं लोग, क्या नियम होते हैं, 10 तस्वीरों में देखिए आसमान से केदारनाथ। विदेश मंत्री बोले सीमा पर शांति भारत और चीन के बीच सामान्य संबंधों का आधार, आपसी सम्मान जरूरी। गिरफ्तारी के खिलाफ टीएमसी नेता मानिक भट्टाचार्य की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। भारत के गेंदबाज ने ली टी20 वर्ल्ड कप की पहली हैट्रिक, इंडिया नहीं इस टीम के लिए खेलते हैं। अध्यक्ष के तौर पर इन दो मुद्दों पर काम करना चाहते हैं रोज अटोनी, गांगुली की भी प्रतिक्रिया आई सामने। सुनील गावस्कर की भविष्यवाणी, इन दोनों टीमों को फाइनल में पहुंचने का बताया दावेदार, जाने। पाकिस्तान से चीनी एशिया कप की मेजबानी, जैशा बोले न्यूट्रल वैल्यू पर खेला जाएगा टूर्नामेंट।